हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में जो कि टॉपिक है कंट्रोल यूनिट का पास्ट डिकेट से ड्रग रेजिस्टेंस जो है ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स जो है ना वो डेवलप हुए हैं बैक्टीरिया में ये जो ये स्ट्रेन्स है ये प्रोबेबली एग्जिस्ट करते हैं माइक्रोबियल पॉपुलेशन में बट जो उनकी रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ऑर्गेनिज़म्स थे ना उन्होंने कन्फ्रट नहीं किया एंटीबायोटिक के साथ जब वाइड स्प्रेड एंटीबायोटिक यूज़ हुआ यानी उसे यूज़ किया गया वाइड स्प्रेड तो जो ससेप्टेबल बैक्टीरिया थे वो मर गए और जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे वो इमर्ज हो गए उन्होंने मल्टीप्लाई किया ताकि वो फॉर्म कर सके पॉपुलेशंस ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है, है example, वो एग्जिबिट करते हैं अपनी रेजिस्टेंस को वेरियस वेज में फॉर एग्ज़ाम्पल वो रिलीज करते एंजाइम्स को जैसे कि है पेंसलनेस ताकि वो इनएक्टिवेट कर सके एंटीबायोटिक को बिफोर एंटीबायोटिक जो है वो किल करे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को या वो क्या करते है? वो स्टॉप करते प्रोड्यूसिंग ड्रग सेंसिटिव स्ट्रक्चर या वो मॉडिफाई करते है स्ट्रक्चर को सो so दैट वो नो लॉन्गर सेंसिटिव हो ड्रग के साथ या वो क्या करते हैं चेंज करते हैं प्लाज्मा मेमोर की स्ट्रक्चर को सो दैट एंटीबायोटिक जो है वो पास नहीं हो सकता है कहाँ तक साइटोप्लाज तक पहुँच नहीं सकता है साइटो प्लाज्म तक So it was about drug resistance and it is mechanism.